हाय फ्रेंड्स, मणिमेकर में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। 600 करोड़ का देख सकते हो न्यू PLI स्कीम लॉन्च किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ये टेक्नोलॉजी नोएडा बेस्ड कंपनी है। ऑनलाइन सर्विसेज और आपका मोबाइल, जैसे कि आपका जितने भी IT डिवाइस है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का गुड्स। और ICICI डायरेक्ट की तरफ से 4,240 या ये तो कल या तो फिर नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशन में आपको ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। एंट्री पॉइंट बेस्ट है क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपका ज़्यादा नहीं है और ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, मतलब बिलो 70 का है। मनी फ्लो इंडेक्स भी बिलो 70 है, तो ए गुड टाइम कंसीडर बाई करने के लिए बोल रहा है। एक्सपर्ट बुलिश है, 76% एक्सपर्ट की राय है कि बाइंग करने के लिए करंट मार्केट प्राइस में। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके एक अच्छा कम टाइम प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक है, उसको आप ग्रैब कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये डिज़ाइन करता है, प्रोडक्ट करता है, सॉल्यूशन और सर्विस सेक्टर, लाइटनिंग, मोबाइल फ़ोन, और सबसे बड़ी बात है कि कैमरा भी बनाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि सेलर जो आपका प्रोडक्ट इसको बनाने देते हैं उनको सेटिस्फाइड प्रोडक्ट बना के ये कंपनी देता है। तो आने वाले टाइम में ये आपका फोकसिंग रहना चाहिए स्टॉक में, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर आपको एक 4,200 के लेवल टूटते हुए दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर चुका है ये स्टॉक। 20,000 में हुआ करता था, स्प्लिट होके आपका अभी 3,300 से 3,900 पे आया हुआ है। यहाँ पे बहुत दिन हो गया कंसोलिडेट करने के लिए, और अभी जो इन्फॉर्मेशन आया है और ऑन लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में क्या है कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। ऑनलाइन सर्विस का सबसे बड़ा मेजर अगर किसी स्टॉक को अगर मिल रहा है फ़ायदा, तो वो दो स्टॉक है, एक है IndiaMART, GDMART, ये दो हो गया। और तीसरा, अगर ये GDMART और IndiaMART कैसे काम करेगा, इसमें आप सर्विस या तो अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट या तो फिर आपका IndiaMART या GDMART थ्रू आप कुछ भी मंगवाओगे तो उसके लिए चाहिए आपको बस मोबाइल फ़ोन या तो लैपटॉप या कोई IT डिवाइस। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यही मैन्युफैक्चर करता है और अपना नोएडा बेस्ड कंपनी है। त्रिपुर साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ब्रांचेस है और यंगस्टर सारे काम करते हैं, जैसे कि सेलिब्रेटिंग एक्सेलेंस इसका मेन मोटो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस प्रोड्यूस करता है ये मेक इन इंडिया गवर्नमेंट थ्रू अप्रूवल है। तो पूरा इसको जब से चाइना से इंपोर्ट करना आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब से बंद कर दिया है तो इसका पूरा बेनिफिट इसी कंपनी को मिल रहा है। 3,000 से लेकर 20,000 हो गया था, अभी एक बाइंग पोजीशन आप बना सकते हो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। जैसे कि देख सकते हो अब क्या क्या बनाता है, से अब मतलब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, स्पेस इन इंडिया, मोबाइल फ़ोन से लेके लाइटिंग डिवाइस, अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सप्लाई करता है। LED फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, LED TV पैनल, तो ये होल आप वर्क देखो इसका, कस्टमर ओरिएंटेड वर्क है, जो डिजिटली वर्क है। डिजिटल इंडिया का सपोर्ट मिला हुआ है, मेक इन इंडिया का सपोर्ट मिला है, और डिजिटल इंडिया को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट और मेन पिलर बोल सकते हो। जैसे कि देखो कैमरा बनाता है, बॉक्स सेट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग LED पैनल बनाता है, तो ये इसका धंधा है दोस्तों। और बिजनेस मॉडल को अगर अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर डेवलपमेंटेड है, तो उसमें आपका बाइंग एक पोजीशन कोर पोर्टफोलियो में रख सकते हो और रखना भी चाहिए। क्योंकि अभी देखो 1,00,000 यूनिट प्रोडक्शन माइलस्टोन फॉर सैमसंग, जियोमी और TV लॉन्च, ये कहाँ पे हो रहा है, तिरुपति, और ये हो रहा है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी के कंपनी थ्रू। तो ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चर LED TV इन इंडिया, ये आप देख सकते हो कि कैसा स्टॉक, कैसा मैनेजमेंट है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। अभी ROCE देखो 34% का है, ROE देखो 26% का है, और अभी स्प्लिट होके 10 से आपका आया हुआ है 2 पे, तो फेस वैल्यू 2 है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक का PE देखो 160 पे चल रहा है, 50 डेज DMA जो येलो लाइन है उससे नीचे आया ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सपोर्ट लेके अभी देखना नेक्स्ट वीक के अंदर आपको 4,200 का लेवल टूटता हुआ दिखेगा, और 4,200 जहाँ टूटा ये शॉर्ट टर्म में जून लास्ट तक आपका 6,000 से 7,000 का टारगेट दिखा देगा दोस्तों। तो उस हिसाब से आप अपना बाइंग पोजिशन बना सकते हो, और डेप्थ रिड्यूस कंपनी है और गुड क्वार्टर आपका फोकसिंग है, CAGR 59% का है। तो CAGR 59 मतलब एक ईयर में 1,00,000 लगाओगे तो 59,000 मतलब 1,59,000 हो जाएगा, दूसरे ईयर में 1,59,000 के ऊपर आपका फिर 59,000 आएगा, तो 59% आएगा।
तो ऐसे ऐसे करके अगर कोई कंपनी प्रॉफिट दे रहा है जो तीन तीन साल से 78% का CAGR मेंटेन किया है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर में 25%, 3 ईयर में 23%, लास्ट ईयर में 26%, तो ऐसे गुड अचीवमेंट और गुड गोल कंपनी और वेल मैनेजमेंट कंपनी में आपका पोजीशन होना चाहिए। और ROC देख सकते हो 34%। और सब्सक्राइब करो आपके चैनल मनी मेकर को और